अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ व्लॉग्स चैनल। तो जनाब, आप लोग कहते थे स्लैब स्टेप बनाएंगे, तो आप लोग हमें सारा प्रोसेस दिखाइएगा। तो अभी मैंने ये सैंड मंगवाई है, तकरीबन एक बड़ा बोरा जिसको कह लो कि ये वो है। काम करना है कि हमने जो टाइल्स हैं ना, जिसके ऊपर हमने ये सीमेंट लगाना है, ये मम्मा तब तक ये करती हैं ना, तो मैं जाकर ना उनके ऊपर पानी लगा लेती हूँ, ठीक है? क्योंकि धूप है और मुझे यही है कि अभी धूप ने जाना नहीं है और काम हमारा पेंडिंग पे बहुत देर तक रह जाना है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करते हैं तब तक टाइम। जी, सीमेंट दो डिब्बे जाएंगे, तीन चार तकरीबन, नहीं इतने नहीं डालने मामा। हाँ, तीन का बहुत है। हाँ, तीन बहुत है। ये एक डिब्बा अभी डाला है, ठीक है, एक कवर कर लूँ, क्योंकि ये सीमेंट जो है ना मुझे बड़ा रिएक्ट करता है, बहुत है। इसको मिक्स कर लेंगे मामा। ये ले लें, मैं कर ले, ये पकड़े ना, मैंने कर लिया। मैं इधर बैठ जाती हूँ, आराम आराम से ना करी जा। तेरे पे जा रहा है, मेरे पे आ रहा है, मैं उधर को चली। इस तरफ हवा आ रही है। वैसे तो हम इसको अगर मिस्त्री करते ना तो कभी भी इस तरह से मिक्स ना करते, ये तो हमारा अपना ही मजा होता है जो मिक्सिंग का ना, क्योंकि ये हमारी ना, ये भी काम का हिस्सा है। हाँ, मिक्सिंग अच्छी लगती है, हमें खुद भी अच्छी लगती है। देख ले काम का, ये सारा सीमेंट अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, हमें बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। एक जैसा हो जाएगा, इसमें बस पानी डालेंगे और एक मतलब इसका चलो जितना भी मोटाइलों पर आएगा इसका मिक्सर प्लसर हो जाएंगी, ये बन जाएंगी स्लैब दोबारा से, और सैंड लेके और उसमें सीमेंट मिक्स करके तो हम दोबारा से ना और बना लेंगे, जितना हमसे बन सकते हैं ना, हमने कहा उतना तो बनाएं। इस तरह से मैंने इतना किया, अब ये देखिए नीचे नीचे सैंड है और ऊपर ऊपर सीमेंट। ये देखिए आप ऐसा मारो, तकरीबन ये देता है तो मकान भी बना सकती है, घर बना सकती है, माशाल्लाह इसे काफी काम आता है। घर में हमारे कहीं भी फर्श टूटा हो तो ये ऐसा मार बनाती है। क्या इसमें तू पानी लगाएगी ना? जा जा, इसमें पानी डाल दे, ज्यादा भी ना डाल दीजिएगा, डाल दे लेकिन इतना हो के सही हो बस। अच्छा जनाब, आप पानी लगाने लगे, यहाँ पे देखे सेटअप कर लिया मैंने, एक इंच छोड़ के ना कह लो के ये देखें, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर पानी लगाना होता है, पानी लाजमी है, नहीं तो वो सीमेंट जो है ना कभी भी ठहरता नहीं है, गीला करना लाजमी है, ठीक है। हाँ जी, क्या चीज डालें उसमें? अच्छा दिखाने हैं आपने, रुक जाए। ये देखें, ये मैंने टाइल्स के ऊपर लगाया और अंदर से अजीब सी पॉपिंग टाइप का वाकत आ गई। ये देखें जी, अब हम दूसरा प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं हम, अब पानी वाला, इसमें हमने पानी डालना है। तो पहले हमने सैंड और सीमेंट दोनों मिक्स कर लिए हैं। अम्मा आपके हाथ खराब हो जाएंगे, वो मैं कांडे ना कांडे के साथ करती हूँ, ये हाथों से नहीं ना करूँगी। नहीं कांडे के साथ ना करो, बस डाल के छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि वो हमें मिक्स नहीं करना होता, वो फिर हम उसको जब टप में किसी चीज में डालेंगे फिर पानी डालेंगे साथ साथ मिक्स करके, थोड़ा तो करके दिखाऊंगी ना। ये देखिए जनाब, ये अपना भी मजा, तो अम्मा हाथ खराब हो जाएंगे थोड़ा ज्यादा, कोई नहीं, मजे देखो थोड़ी माँ दे। मेरे हैंड इतने नाजुक थे, अब अल्लाह का शुक्र इतने हार्ड हो गए हैं। अभी भी नाजुक ही हैं। ऐसे ही छोड़ना होता है, ठीक है, दरमियान में पानी डाल के
और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मा वो बाहर आ रहा है उस साइड से। मम्मा तुम मजा ना ना लो, बस करो, ताड़े हाथ भी खराब हो गए। तकरीबन सारे एक जैसा हो गया। अच्छा चले आप डालें, ऐसे ऐसे डालते हैं जो साइडों पे है ना, वो तकरीबन सारा मिक्स हो जाए। चले ठीक है, चले आप दिखाएं जाके दूसरा। या हमने आप साइज साइज पे ना, नहीं आप वो करें, मैं अब टप देखती हूँ। अब हमने जो है ना एक टप फ्री करना है जिसमें हमने उसको डालना है, तो वो टप अब कौन सा लूँ? मैं सोच रही हूँ ये स्टील वाला जो है ना पतीला हम फ्री कर लेते हैं, इसको जो है ना निकाल लेते हैं। हमारे जो स्टील की जो चीज़ें हैं ना वो दूसरे कर ना। खैर कोई बात नहीं, अब जो है उससे काम चलाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मैं जगह साफ करती हूँ और मैं टेक्सचर को जो है ना निकाल लेती हूँ। ये एक्चुअली में ब्लैक ड्रेस वाला टेक्सचर है जिसको मुझे निकालना होगा। ये दिखाना जरा इसको मैडम, तुम कैमरा पकड़ लो, कैमरा मैन बन जाओ ऐसे। हाँ बस ही लेना, काला काला जूते ही है मैंने लगे। ये देखें बढ़िया मोबाइल, तुमने मोबाइल जो है ना अगर पकड़ना है ना तो बिल्कुल सही वीडियो बनानी है, ऐसे नहीं करना कि उधर दिखा रही उधर दिखा रही, बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाना। क्या दिखा रही हो आप नु नहीं नजर आंदे आते हो पीछे हो गया पागल मेंटल। ये देखें ये सारा का सारा टेक्स्ट निकालना है मुझे। ये ले जाओ नीचे, इसको ना वॉश करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, इसको वॉश करके देना आपसे मिलती हूँ। मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ और मामा से मैंने ये टेक्सचर यहाँ मंगवा लिया, यहाँ पे लगा लिया हमने ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा पानी साथ साथ लगाते जाएंगे और साथ साथ जो है ना मसाला डाल के तो करते जाएंगे। मामा जो है ना मेरी वो क्या उसको कहते हैं हेल्पर मजदूर, और मैं मिस्त्री मामा के ऊपर भी कर दूँ अम्ब्रेला। मामा लादा थोड़ा थोड़ा सानू भी गिला हो जाना चाहिए था, जिन्नी कुछ गर्मी है ना। और ये हमने हमारा बेहतरीन मेरा फेवरेट, इससे जो है ना बहुत अच्छी जो है ना वो फिनिशिंग होती है। क्या कहते हैं मरियम, इसके सुराख खोलो किसी चीज के साथ, ये फिर सही होगा ना, इसके सुराख खोलो। इसके अंदर कोई चीज बारीक वाली चीज से ना वो करो, हाँ ऐसे कर लो ठीक है। हाँ वो देखो निकल रहे हैं, नहीं नहीं ना सही नहीं बनता, एक वो है वो लास्ट पे इस्तेमाल होगा, पहले ये इस्तेमाल होता है। अच्छा चल इधर आ पे मेरी भैन, इतने इंज खलोएगी ना तो ना मैनू पेगी ना तेन रोशनी ना धुप पेगी, इधर आया तू एक इतने पैर रख के खलोना है, एक इतने तो एक इतने ठीक है। बढ़ गया मामा पिछाड़ी पागल जी लीट कर दी बदतमीज, इधर हो चल एला ए फड़ ला इतने फड़ ला, पिछे खलोई ना पिछे इंज खलोई इंज मेरी मामा ने मुझे सारी चीजें ला के दे दी, ये होता है मामा का प्यार। ये देखें मामा इसमें कोला कोल के ले आई है और ऐसा ही बनाना होता है ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही पतला सा बनाना होता है, क्योंकि ये स्लैब पे डालो ना फ़ौरन से वो हार्ड हो जाता है, थिक होने लग जाता है। ले आओ मम्मा जी बहाइए इन्हें, पानी लगाओ थोड़ा सा, खुद भी लगाओ खुद को लगा लो ठीक है। और ये लो जी ये इस तरह से ना पतला इसके ऊपर डालते जाना, ए मेरी मम्मा ने ना बहुत ही पतला करता है सही। हाँ तेन पता सही, और इसको बिल्कुल पतला करके फैलाना है
ये दिखने में बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है। मैं एंगल सही कर लूँ। ऐसे इसको उठाती हूँ, मैं पकड़ो टूटा मेरा। देखा कैसे जम गया हालांकि कितना पतला था ये। अंशु जी एसएमआर आप कह रही थी ना कि मैं व्लॉग देखती हूँ यार एसएमआर के उन्होंने न्यू व्लॉग्स लास्ट में इंतज़ार करती हूँ कि कुछ नया तो नहीं कर लिया उन्होंने। तो ये देखें, ये मैंने कुछ नया किया है, ठीक है। तो आप भी देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको, ठीक है। ये पतली लेयर आप लगाएं, बेशक मोटी लगाएं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे लगानी है। अभी फिलहाल तो मैं इसको भी पहले इस तरह से ही करूँगी। मामा आप उधर दूसरी साइड पर इस तरह से करें। हेलो मामा, ऐसे नहीं करना। हेलो पढ़ो, हेलो नाल पढ़ो, हेलो नाल कर दो। उधर खींच खींच के क्यों लैके आ रहे हो? जनाब मेरी माँ एक्सपर्ट बनी है। चलो चलो मैं मामा का भी तरह तरीका देखनी है। मामा की गलती इस तरह से जाना इसके ऊपर पड़ना, थोड़ा सा पतला और थोड़ा सा थिक। मैं वो बाद में करवा लेता हूं। चलो अब और हाँ ये बना के, मैं तो कहती एक दफा ही वो पतीले में डाल, वो मैं सारा बाटी में पतला करूं। चल कोई नहीं, अब कर ले दोबारा से फिर बना ले। अब नहीं वो ये थोड़ा टेक्सचर है। हां और बनाना है, और बनाना पड़ेगा आपको। वो वाली नई रेत निकाल के आप लो। अब वो मसाला तो उसमें ज्यादा कंप्लीट है। हां जी चलो इसको जरा थोड़ा उठाऊंगी तो दोबारा से बनेगा ना। इतनी पतली करके ना पहले इसे ना उधर फेंकी जा। सही बात है, करने लगी। ये पतला पानी है ना ऊपर, नहीं पतला पानी है पेटा। तू मरियम पीछे हो जा। अच्छा वो लेला पकड़ ले। ये देखे जी आपका प्यार इतना ज्यादा है कि अल्लाह का शुक्र है आप इतने इतने अच्छे कमेंट करते हैं। आपका इतना प्यार है ना तो ASMR धूप में उसको अपने कलर की फिक्र नहीं है। तो वो बस मैंने कहीं जाना था, मैं बार बार जान बचा के कह रही मैंने कहीं जाना है। तो वो कहती नहीं मामा मैं अकेली कर लूंगी आप जाए। मैंने कहा फिर नहीं नहीं ये तो अच्छी बात नहीं है, हम दोनों इस काम में शामिल हैं तो एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। अकेली कर तो लेगी पर नहीं, साथ बहुत चीज होती है। मैंने तो कहा आप जाए मैं कर लूंगी, वो भी मैं किसी वजह से जा रही थी तो मैंने मेरे वाली से ना काम जल्दी नहीं करता। ये ले अब इस तरह करेंगे। देखें ये इस तरह से नहीं, एक वर्षा हो जाए वहां से करें जो है ना कर रही है, और इस तरह से ही करना होता है, ठीक है। ये वेस्ट खुद ब खुद निकलता जाएगा और जो जो जहाँ जहाँ से वो नहीं ना होगा, मतलब के मटेरियल नहीं होगा, वहाँ पे इस तरह की जगह छूटती जाएगी, ठीक है। जैसे वहाँ पे छूटी है ये देखें। हाँ अब इधर टेक्सचर डालना होता है, डालें ऐसे। ये बड़ा अच्छा इस तरह से लेवल होता है, बहुत किसना नहीं है मामा। हाँ इस तरह से करेंगे आपको खुद ब खुद जो है ना वो पता चल जाएगा। अब यहाँ का और यहाँ का लेवल जो है ना इधर से, ये देखें इस तरह से करेंगे ना, ये देखें कितना ज़्यादा जो है ना हमारा मटेरियल एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये देखें ना तो मजदूर वैसा सही मजदूर है। देखो बस मन मेरी वैल्यू ही नहीं है। आप जी कमेंट कर करके बताएं आपके घर में भी कैसे कैसे जो उनको जो लड़की हैं खास करके कैसा यार। ये लड़के तो कर ही लेते हैं, लड़कियों में से कौन कौन करता है ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके आप और बिल्कुल नीटनेस के साथ, बेटियां हैं जो करती हैं, बहनें करती हैं, बिल्कुल नीटनेस के साथ कौन करता है वो भी बताइएगा, ठीक है। मैं ना बस मामा ये इधर डालना, मैं उसको लेवल करूँ। मैं इन ये मिक्सर इधर डालो, मैंने थोड़ा सा इधर सा जनाब। अब मैं जो है ना इसको लेवल कर लूँ। मैंने मम्मा को कहा आप दूसरी तरफ डालो। नहीं मैं जिधर बैठी हूँ हाँ इधर ही। ये देखें ये जगह छूट रही है। आपको मरियम के पाँव दिखाएं। साफ ही है वो, अलग अलग जूती गंदी पाएगी मैं।
इस जूती से तो बारिश को भी बड़ी बातें हुई हैं जनाब। ये हमारी घर की एक्स्ट्रा जूती हैं, ठीक है, जो के क्यों पहनते हो ये भी बताओ, इसकी वजह से ये जो बटन, हाँ ये बड़े बटन से बने हैं ना तो सुकून मिलता है इसको पहनने से। मैंने बारिश को नहीं ला दी, नहीं हमने घर के दरवाजे के बाहर रखी होती हैं, तो बाहर से ही फिर वो बाहर मिट्टी वगैरह ना तो जूतियाँ बहुत गंदी होती हैं, फिर एक आधी जूती ऐसी होती है जो पहन ली जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल हुक गया तो इसको हम यूं यूं कर देते हैं, ठहरो ठहरो, नहीं मैं ये बिच पूरा कर देनी हूँ। मुझे याद है मैंने लास्ट टाइम जब उस छत पे बनाई थी तो टेक्सचर नहीं था, तो मैं ग्रे कंक्रीट मेरे पास काफ़ी ज़्यादा था, पता है मनु बीबी। कर लो सूट नवा पा के जुत्ती नवी पा के मेकअप गार के लैनर ला के ते आके कहंदी हुन मैं भी कर ला, कह रही है एक दफा मैं भी कर ला, कर लो कौन है ना। हेलो इसकी मेहंदी दिखाओ अपनी मुंता, इसको मैंने मेहंदी लगाई है जनाब, चेक करिएगा ये देखें, ये नई कपड़े छपड़े पहन के अपनी मम्मा की तरफ जा रही है और आगे कहती है एक दफ़ा मैं भी काट ला, काम चेक करो ये देख क्यों मुंडा हूं टेढ़ी वाड़ी है, चलो टेढ़ी वाड़ी हो गई काली वाड़ी है, ये देखें ये देखें काले सुंदर की के अंदर से मैं तब तक मटेरियल निकाल देती हूँ। मरियम मरियम मरियम, चलो हो गया उसका शो पूरा, थैंक यू। तुसी कहंदे हो गए ना ब्याह किवें करता जे तुसी, बस की करिए जनाब, मरियम कह रही है दुआ करें इसकी भी शादी हो जाए, ये मानती नहीं है, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं मुझे ये होता है ना कि देखें फिर आप लोग मेरा वेट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो फिर मैं आपको कहाँ लबूंगी अगर वो ना करने देंगे मुझे, किसी ने बना दो। मैं नहीं बनती इसकी भाभी, ये मुझे बहुत काम कराती है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं बड़ी बहन है छोटी बहनों को काम नहीं कहेंगी तो किसको कहेंगी, एक लिमिट तक होता है तो के पानी का ग्लास तक नहीं पीनी, तो यही तो बहनों का सुख होता है। अब देखो मैं मेरी शादी हो जाएगी तो फिर कौन तुम्हें मैं याद आया करूंगी ना जनाब, अभी मरियम ने थक जाना और इसने भागने की करनी है कि बस मेरे को हो गया, मैं नहीं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी बस इधर का काम जो है ना वो ख़त्म करूँ। बढ़िया ड्रिपां लगी हैं, हाँ कह लो जनाब, कुछ भी नहीं सी होया माड़ी, चार इंजेक्शन एक ड्रिप लगी थी, तो जाहिर ही बात है जब उल्टी चीज़ें खाओ तो फिर ऐसा ही होता है। मैं ना अभी फिलहाल इसको यहाँ पे रख रही हूँ ताकि मैं ना देखना ज़रा मेरा मुंह ना आए इसमें, बहुत कॉन्सेंट्रेट ख़राब हो जाएगा वहाँ। इधर करो थोड़ा सा, मेरे से चपेड़े ना खा ली मरियम, सलाम लेना अच्छी गल, सलाम लेना अच्छी गल है, हर बंदे से सलाम लेना नहीं अच्छी बात,
जब कोई देख रहा हो ना सलाम ले ली। हाँ तो ठीक है, 100 बंदा देखता रहो उसको सलाम लेकुम। तो जनाब मैंने इसका तो कर दिया, मेरी मम्मा ने दूसरा पेस्ट भी बना दिया। चल मरियम थोड़ा आगे हो, उनके साथ मैं थोड़ा सा यहाँ ये वाली कॉर्नर जो है ना मैं बाद में सही करूँगी, क्योंकि इस कॉर्नर पे ना या फिर साथ साथ ही करनी चाहिए है ना। मैं आपको दिखाती हूँ कि कॉर्नर्स को कैसे बनाना होता है। ये देखिए मैं थोड़ा सा भी मेरा क्या फिर मोबाइल है, इसको सेट करो। इतनी मेहनत ना मैं इतों कमा किया है तो फिर मैं कहने लगी थी फिर वट पै गए। अच्छा ए ए ए ना जनाब, इसको पता कैसे करना होता है। यहाँ पे ना आपने एक चीज़ रखनी होती है, कोई लकड़ी या कुछ भी रख ले लाइक। अच्छा अब इधर ना ऐसे करके ना हमने लगाना होता है टेक्सचर। एक तरफ छोटी पकड़ो, ये छोटी मेरे मुंह पे पड़ रही है धूप। इसमें मसाला वाला अभी है मम्मा? हाँ मसाला डाल दो, वो पतीले वाला। बोटी भी पा दे रहा थोड़ी। यार तू की ये चीज मम्मा में थक गई। ये देख खिला रहे हैं, ये देख थोड़ा थोड़ा जो दिखा के बस कर। हाँ ठीक है, इस तरीके से खड़ी है। अच्छा जनाब ये देखें इस तरह से करके बाद में आपने इसको लेवल अप कर दिया। हाँ मैं कैमरा पकड़ना वाकई में बहुत मुश्किल है। मैं आपको यहाँ से थोड़ी सी बाउंड्री बनाना सिखा रही हूँ। ये देखें मैं यहाँ पे ये अपनी गरमाले रख लिए, लकड़ी जो है ना मुझे इरिटेट कर रही है क्योंकि गरमाला पकड़ा जा रहा है। थोड़ा सा वाटर ही हो ना ज़रा अच्छा हो जाता है। तो पानी डाल, इसके ऊपर पानी डालते हैं ऐसे। वो ना होती है लकड़ी में कोई हो है ना दे? नहीं ये देखो मरियम थोड़ा सा आगे करो, ये लकड़ी लेते ना छोटी सी उसके साथ साथ उसमें डाली जाती है। फिर उसका बस थोड़ा सा रह गया है। ये देखें ये ले। नहीं नहीं बस एक मिनट पूरा लेवल कर दूँ ना। लो जनाब ये बराबर हो गया। इसी तरह से ना सारी बाउंड्रीज है ना बराबर करनी होती है। ठीक है थोड़ा थोड़ा मसाला लगा के इसको लेवल अप करते जाना ऐसे और ऐसे। बाकी इसके बाद जो हमने लास्ट में इसका क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, फाइनल सारी की सारी दिखाऊंगी। अभी जो है ना मोबाइल को करते हैं बंद क्योंकि ये हीटअप हो रहा है और आराम से हम काम कर लेते हैं। स्टे कनेक्ट विद मी। यक यक जिसे कहते हैं वाह राबिया कमाल कर दिया तूने तो। ये मैंने दो दो ग्लव्स पहने हैं लेकिन फिर भी मुझे चुभन हो रही है अपने हाथों में। अब मैं ये जो इसकी साइड्स है ना उसको फिल कर रही हूँ। अरे पानी पी ले। खैर पहले मैं थोड़ा सा ये रह गया था पानी के।
साइड पे मुझे वो नीटनेस के साथ वो लिखी बनानी है इस तरह से बाउंड्री। बाकी मैंने जो है ना इसको बड़ा नीट एंड क्लीन बनाया। अब इसके लास्ट स्टेप पता क्या है, इसके ऊपर हमने डालना है नीरू। नीरू मतलब सीमेंट और पानी का घोल होता है, ये दिखाना मुझे। पानी धो पे लगे आप ये देखें, ये मैंने ना पूरी की पूरी जो है ना बाउंड्री बड़ी अच्छी साफ सुथरी नीट करके बना ली है। अब इसके ऊपर एक फाइनल टच हमें देना होता है, ठीक है। जैसे हम मेकअप करके उसके ऊपर लास्ट पे सेटिंग स्प्रे लगाते हैं ना, ऐसे ही इसकी जो है ना हमने सेटिंग जो है ना वो लास्ट पे, फिर उससे ये होता है कि ये इसकी जो वो है ना, ये रेत भी नहीं उतरती, ये टेक्सचर भी नहीं टूटता, टेक्सचर कह रही हूँ, ये सीमेंट भी नहीं उतरता, सैंड भी नहीं उतरती, और ये जो है ना बिल्कुल मुलायम सी हो जाती है, बड़ी शाइनिंग शाइनिंग सी आती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बकेट में ना थोड़ा सा सीमेंट और सैंड, सीमेंट और पानी, दो चीज़ें जो है ना ये मिक्स कर ली हैं, ठीक है। ये देखें, ये प्योर सीमेंट है जो अक्सर हम लोग वीडियोज़ में बनाते हैं ना, प्योर सीमेंट ये वो वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हाथों पे रिएक्ट करता है, तो काइंडली आप लोगों को यही कहूँगी कि यार ये सीमेंट वाली वीडियोज़ और सीमेंट से ना परहेज ही किया करें, ठीक है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जब सांस में जाता है ना तो ये ऑब्वियसली ये हमारे हाथों को कितना डैमेज करता है, तो सोचें कितना उसको डैमेज करता होगा। ये बहुत ज़्यादा जो है ना हो जाता है, वो क्या उसको कहते हैं, फ़ौरन से जमने लग जाता है। तो इसके लिए ना मैं ये वाला एक यूज़ करूँगी, इससे मुझे इसको पहले तो सेट करना है। साथ थोड़ा थोड़ा हमने इधर पानी डालना होता है, ठीक है। पानी से जो है ना इसकी ऊपर जो है ना एक लेयर बनती है, ऐसे देख रहे हैं आप लोग। साथ साथ वो वाला पेस्ट, पेस्ट में ना थोड़ा सा यहाँ पानी डालने ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा भी रख के करेंगे ना तो फिर वो उसमें ना वो निशान से पड़ जाते हैं। ये देखें बड़े हल्के हल्के हाथों से, कि लाइंस ना पड़े। मुझे बड़ी उलझन होती है जब लाइंस पड़ जाती हैं, तो मैं बड़े एहतियात से जो है ना इसको करती हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा पानी लूँगी, ठीक है, बहुत थोड़ा, ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि ज़्यादा पानी से ना वो इसके अंदर ना ये देखें सुराख से बनने लग जाते हैं। तो अब इधर वाली साइड पे ना प्योर सीमेंट डाला है ना, इतनी लाइंस बनती है ना, इन लाइंस को खत्म करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, फिर ही नीटनेस आती है। ये देखें, यहाँ से तो हो गया मेरा डन डन, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, तो इसके ऊपर जो है ना हमें दोबारा डालना पड़ेगा, ताकि ये भी सेट हो जाए, क्योंकि अगर हम जो है ना वो नहीं डालेंगे ना तो ये भी यहाँ से बड़ा बुरा लगेगा। साथ साथ जो है ना मैं यहाँ पे इसके जो कॉर्नर्स है ना इसके ऊपर भी इसको भी ना यूं यूं करती जाऊंगी। ये देखें, ये जो नीचे गिरा ना, ये काम जरा आसान है, वो है ट्रिकी। इस पे भी लास्ट में डालना होता है, नहीं तो इसके कॉर्नर्स में ना फिर पानी जो है ना वो घुसने का डर होता है। ये देखें, इस तरह से ना इसके ऊपर पानी पोर करते हैं, वो टेक्सचर कह लो या सीमेंट कह लो। ये देखें, ठीक है, बाकी का बेशक फैला लें, क्योंकि ये तो पतला बहुत ज़्यादा है, दोबारा ऊपर नहीं चढ़ना होता। ये चीज़ ठीक है, कोशिश करना है कि फ़ौरन फ़ौरन से थोड़ा थोड़ा बेशक डालें, लेकिन फ़ौरन फ़ौरन से इसको जो है ना कह लो ब्लेंड करना होता है, नहीं तो ये वहाँ पे ही जो है ना निशान अपने छोड़ देता है, या जो है ना बिल्कुल वो हो जाता है, जम जाता है। अब यहाँ पे ये देखें, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बाकी आगे जो है ना रफ है अभी,
ये वाला सारा वो देखे दूर तक मैंने स्लैब्स बना लिया। अब ये जो है ना जल्दी बाल्टी को उठा लेते हैं, पानी भी ले लेते हैं। ये लिया आप सीमेंट, इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी, आपने इसको बिल्कुल पतला करके फिर आप आराम आराम से इसको फेंकिएगा डालिएगा, और बिल्कुल एक जगह पे नहीं पोर करना होता, नहीं तो मैंने पहले भी बताया निशान पड़ जाएंगे, वो जगह जो है ना फ़ौरन से नीचे बैठ जाती है। ठीक है, इस तरह से ज़्यादा बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छी शाइन आएगी। और बस ऊपर 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 इसके फैलाना होता है, बिल्कुल जज्ब ना करवाएं। आप लोग कह रहे हैं ऐसे बता रही है जैसे कोई बंदा टोटका नहीं बता रहा। खेंच खेंच के मैं उस साइड पे लेती जाऊंगी क्योंकि उस साइड पे जो है ना अभी डलना है मजीद। ये अब थोड़ा सा गाढ़ा है, अब थोड़ा सा इसके ऊपर हम पानी डालते हैं। अब अगेन इसको जो है ना हम पूरा फैलाएंगे जहां जहां पे नहीं गया, ये देखे ना यहाँ पे नहीं आया था। एक साथ ही जगह को कवर करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो ना अलग अलग दाग पड़ जाते हैं स्लैब के ऊपर। यहाँ पे देखें ये मुझे कितना बुरा लग रहा है, इसको यूं करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा टेक्सचर उस साइड पे भी गया है ना, ये वाली कॉर्नर पे भी, तो इसको भी यहाँ पे ही जो है ना वो कर लेंगे। साइड ज़रा रफ है इसलिए मुझे उसको इतना कितनी वो टेंशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी मैं डालूँगी ज़रूर ताकि ज़रा सही हो जाए। अब यहाँ पे लेवल करते हुए वाव, वैसे इससे डलता है, इससे ऐसे ऐसे फैलाते हैं, लेकिन मुझे इससे कंफर्टेबल है, मैं इससे ही भी करती हूँ। ठीक है, मैं इससे ज़्यादा मतलब इजी रहता है। यहाँ पे देखिएगा, अब ये देखें ये जमने लग गया जो कि हमने इसको जमाना नहीं है। ठीक है, इसको फ़ौरन फ़ौरन से ही फैला देगा। ना मैंने ये सारा करके ना तेन आपसे मिलती हूँ। अब ये मैं आप लोगों को भी दिखा दिया, अब ये ना बड़ा आराम आराम से करने वाला काम है, तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा वैसे तो। ठीक है, तो ये एक ही ब्लॉग में कवर कर लूँ तो वो ठीक है। ये लाइंस ख़त्म करनी है मुझे इस पे से ना, जब आप इस पर पानी डालते हो ना तो इसकी लाइंस तो बहुत ख़त्म हो जाती हैं। अभी बस फिलहाल मैं पानी नहीं डाल रही, इसकी जो है ना मैं एज इट इज़ ही करूँगी। लो जी सही है, तो मिलते हैं जी ये पूरा कंप्लीट करने के बाद, सारा फाइनल रिजल्ट आपको दिखा दूंगी। ये प्रोसेस आपको दिखा दिया, बस यही करना होता है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दो हमें याद रखिएगा, वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ठीक है, अच्छा जी जनाब, अब आपने ये वाली जो दो स्लैब्स थी इनको कंप्लीट कर लिया है, सो अब ये